चीज़ एक बता दूं कि मान लीजिए आप अभी सीख रहे हैं इंग्लिश, अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो ऑलरेडी इंग्लिश जानता है, सब कुछ जानता है, वो आपसे इंग्लिश में बात करना शुरू करता है, तो आप तो अभी सीख रहे हो, तो आप उसको टक्कर कैसे दोगे? आप जो जानते हो वही बोलोगे ना, वो एक्सपीरियंस्ड है, वो पहले से जानता है, तो आप उतना टक्कर नहीं दे पाओगे। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है और आपको लगता है नहीं यार पता नहीं कैसे होगा, मैं कब सीखूँ, कैसे होगा, नहीं होगा, वो बहुत पहले से जानता है इंग्लिश और आप अभी सीख रहे हो, आप नहीं मुकाबला कर सकते हो। जब आप सारा सीख जाओगे, बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, तब आप उसको टक्कर दोगे। तो इतनी चीज़ समझ में आ रही है ना सबको? तो अगर इसमें अगर आप में से किसी के साथ ऐसा होता है, गुड मॉर्निंग, और आप अपना हौसला खो देते हो कि पता नहीं यार मैं तो बात ही नहीं कर पाता हूँ, सामने वाला कोई आता है पता नहीं मुझसे तो होता ही नहीं, अरे नहीं होगा भाई, इतना आसान होता है इंग्लिश, तो हर बंदा अंग्रेजी बोल रहा होता है, इट्स नॉट दैट ईजी। ऐसा नहीं किसी इंस्टीट्यूट में गए और ऐसे जादू हुआ और सीख गए, नहीं होता। आप सब लोगों को पता, आप लोग भी कितने साल से ट्राई कर ही रहे हो, यू नो इट टेक्स टाइम। तो जब आपका हर स्ट्रक्चर ओके होगा, जब मैं आपको सिचुएशनल इंग्लिश बुलवाऊंगा, एक सिचुएशन होगा आप बोलेंगे, मैं चेक करूंगा, जब हर एंगल से आप ओके हो जाओगे, तब मैं खुद ही कई गेस्ट को बुला बुला कर आपसे बात कराऊंगा जो यहां से सीख कर गए हैं, किसी को बुलाऊंगा कि भाई बात करो, ताकि आपको वो जो आप मार्केट में किसी को फेस करोगे वो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ फेस कराऊंगा, और तब आप अलाउड हो, फ्री हो कि किसी से भी इंग्लिश में बात करो। और तब भी जब इंग्लिश का माहौल ऐसा है ना, इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है कि अचानक जब कोई आपसे बात करना शुरू करता है, एक घबराहट होती है, क्योंकि आप हमेशा अपनी भाषा बोलते हो। तो इंग्लिश आज भी कि रोड पर दो लोग बात करते तो कोई तीसरा एक और पलट के देखता है कौन है इंग्लिश बोल रहा है, ये इफेक्ट आज तक है, तो घबराहट होती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप में से, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो अपने फैमिली में इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया होगा या कर ही रहा होगा, बहुत कम, नाम मात्र का। तो सोचो, एक कॉमन सेंस लगाइए, आप अंग्रेजी सीख रहे हो लेकिन घर में आप वही अपनी हिंदी, पंजाबी, मराठी, उड़िया, बंगाली, भोजपुरी वही बोल रहे हो, तो आप क्यों सीख रहे हो? आप कहाँ यूज़ करोगे अपने अंग्रेजी का? दोस्तों के साथ आप बोल नहीं सकते, वो मजाक बना देंगे, और फिर जब कोई और इंग्लिश में आपसे बात करने आता है तो आप डर जाते हो, कैसे होगा? तो अगर आपके फैमिली में कोई भी थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता है, जैसे आपके हस्बैंड जानते हैं, तो आप उनसे बात करना शुरू करो, जो आप सीख रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा बात करो, वो हंसे हंसने दो, मजाक बनाए बनाने दो, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अगर आपका कोई बच्चा है तो आप अब से उसके साथ थोड़ा बहुत, पूरा तो आप 100 में से 100 नहीं करोगे, थोड़ा बहुत करना शुरू कर दो। आप जहाँ आप हिंदी बोलते हो, आप देखो कि क्या इसको रिप्लेस करके आप इंग्लिश डाल सकते हो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है मतलब ठीक है, आप कर सकते हो। जहाँ अटक जाओ, अपनी हिंदी में आ जाओ, अपनी नॉर्मल भाषा में आ जाओ, एक दिन आप इंग्लिश में आ जाओगे। ये करना आपको शुरू करना पड़ेगा गाइस, नहीं तो घर में बैठे, रजाई में बैठे, ये सोच के कि एक दिन मैं फर्राटेदार होऊंगा, नहीं होता है जादू, लिख कर दे सकता हूँ, नहीं होता है जादू। मेरी नेटिव लैंग्वेज मराठी है। एक मिनट, हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ सर, मेरी नेटिव लैंग्वेज मराठी है और मेरे आजू बाजू के लोग भी मराठी बोलते हैं, तो हम हिंदी में ही सीख रहे, तो मुझे कभी कभी ट्रांसलेट करना पड़ता है हिंदी से इंग्लिश, तो ऐसा थोड़ा सा तकलीफ होती है सर, तो इसमें क्या कर सकते हैं? हिंदी से इंग्लिश, देखो भाई, हाँ यानी सर अभी वो जाता है मुझे, आता मराठी मध्ये ऐसा बोलते हो तो जातो सर, मैं जल्दी बोल देती हूँ मराठी, लेकिन इधर कोई हिंदी भी नहीं बात करते, इधर सब महाराष्ट्र बोले तो मराठी ही बात करते हैं, तो सर ये तो क्या करेंगे फिर? तो भाई जैसे वो स्टेटस बीइंग का बता रहे थे आप, तो जो लोग पूरा दिन भर मराठी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं या भोजपुरी बोलते हैं, वो अचानक अंग्रेजी बोलना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि इट विल टेक सो मच टाइम, धीरे धीरे मराठी को थोड़ा बंद करना पड़ेगा, जितना अंग्रेजी सीखा उसको थोड़ा चालू करना पड़ेगा, जैसे मराठी बंद होने लगेगी अंग्रेजी चलने लगेगी, आदत हो जाएगी। अभी आप मराठी को बीट नहीं कर सकते अंग्रेजी से, अभी आप हाई लेवल पे मराठी बोल सकते हो, अंग्रेजी बस छोटा मोटा है, क्योंकि ज़्यादा बात भी नहीं हो रही है, तो इट विल टेक सो मच टाइम टू एटलीस्ट इस लेवल पे आने में भी टाइम लगेगा। अभी कैसे होगा, आप घर पे तो किससे बात करोगे, किसी से आप नहीं बात करोगे, मैंने देखा है खूब एक से एक अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं, बट तुरंत जैसे ही क्लास खत्म होती है वो अपनी भाषा में कूद जाते हैं, मराठी चालू, पंजाबी चालू, बंगाली चालू, सब चालू हो जाता है। कभी थोड़ा सोचा कि थोड़ा अंग्रेजी बोल ले, तो आपको करना कुछ नहीं है, रिजल्ट आपको चाहिए 100%। और आप में से कई टीचर्स हैं, कई सब हैं, मतलब दूसरे को समझाना हो तो अच्छा समझाओगे, अपने पे बात आई तो पता नहीं जी मैं तो ब्लैंक हो जाती हूँ,
गाइस हेलो सर, चालू सर हिंदी में समझाना तो समझा सकते हैं, इंग्लिश में समझाने में ब्लैंक होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कोर्स को कंप्लीट करें, यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेशन में कराता हूँ उसे होने दें, खुद मैं आपको चेक करके बताता रहूँगा कि आप किस काबिल है कैसे जा रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि वर्ड मीनिंग के कारण मैं ब्लैंक होता हूँ, ठीक है मैंने आपको दिया कि डिक्शनरी रट लो, मैं लिख कर देता हूँ आप रट लो अंग्रेजी बोल के दिखा दो, जी नहीं आप नहीं बोल पाएंगे। और सर हिंदी में मेरे साथ तो हमारे पास वर्ड का कमी नहीं होता सर, बट पर इंग्लिश में बोलते हैं ना तो सर वर्ड का कमी हो जाता है, क्योंकि आपके जहन में मान लो आपके जहन में क्या बोलना है, आपके जहन में वर्ड है आपने ढंग से बोला नहीं है यार, उन वर्ड को जंग लगे हुए अचानक वर्ड आते ही नहीं है, तुरंत जुबान पे नहीं आते आपके वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स आप जानते होंगे, ऐसा थोड़ी एकदम आप ब्लैंक है कि आपको कुछ नहीं पता, आपसे कोई क्या बात कर लिया होगा, आपने डेली लाइफ के बारे में ऐसा क्या अद्भुत बात कर लिया होगा, ऐसा बात कर लिया होगा कि रॉकेट कैसे बनाते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं पूछ लिया होगा। जनरली आप जो सुबह उठते हो अपने कलीग से मिलते हो कोई क्या बात कर लिया होगा आपसे, लेकिन आप अटक गए, ऐसा क्या अद्भुत वर्ड था जो आप नहीं बोल पाए, आपने कभी बोला नहीं है अंग्रेजी ढंग से, छोटा मोटा हेलो हाउ आर यू थैंक यू ये अंग्रेजी है, ये मजाक है, अगर ये अंग्रेजी बोल के आपको लगता है वाह आई एम कूल मैं तो अच्छी इंग्लिश बोल रहा हूँ, आप फिर कुछ नहीं जानते हो। अंग्रेजी के अंदर आता है कि आप अपनी पूरी बात समझा सको, अगर कोई चीज़ हुई आप एवरीथिंग एक्सप्लेन करते हो दैट इज इंग्लिश, तो अगर वो आप सही लेवल से कर लेते हो इट मीन्स कि आप जानते हो, और आपको पता ही नहीं आपके मन में है कि यार उसने ना मेरा बाल पकड़ा, अब ये मन में तो है मराठी में है पंजाबी में है, इंग्लिश में पता नहीं कि उसने उसने मतलब ही पकड़ा कैच, मतलब पकड़ना कैच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, इतना आपके दिमाग में चल रहा है। ये कीजिए मैं बीच बीच में रैपिड फायर मैंने रखा हुआ है कि आपको मैं फुल चेक कर सकता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, जब हर वो रैपिड फायर क्या होता है सर, मतलब अलग से क्लास लेना पड़ता है रैपिड फायर, ये मैंने एक प्रोग्राम रखा है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अलग से एक बार 30 मिनट्स में चेक करता हूँ उनको, वो अलग रहता है वो इस क्लास से नहीं होते, क्लास में से जो इंटरेस्टेड होता है हम उसको बुलाते हैं। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है लेकिन रैपिड फायर मैंने देखा अच्छा लगता है जी सर, आई हैव सीन शरीफ वीडियो ना, ही इज माइंड ब्लोइंग। तो वही है, तो ये करना पड़ता है, हम मैं हर एंगल से बच्चे को उस लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि हाँ हो जाए, लेकिन अब आपको अंग्रेजी बोलने का माहौल क्रिएट करना होता है। जो लोग घर पे नहीं बोलते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपस में ग्रुप बनाइए, दो लोग तीन लोग ना इसी बैच से जो जब फ्री है एक ग्रुप बनाकर वो गूगल मीट का लिंक भेजे और एक घंटा रख लेके आप इंग्लिश में बात करते हैं, उस पूरे घंटे में इंग्लिश में बात करते हैं ताकि कुछ तो जुबान चले, ये जरूरी है। और आप कहीं इंस्टीट्यूट में गए कोर्स किया बैक पैक किया घर आ गए वही अपना नॉर्मल भाषा बोल रहे हो और आप सोच रहे हो कि एक दिन फराटेदार हो जाएंगे। सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, पता नहीं ये वीडियो यूट्यूब में जाएगा या नहीं, बट अगर ना ही जाए तो मैं, क्योंकि मैंने एक बार क्लैपिंगो ज्वाइन करा सर, ठीक है मैंने एक मंथ के लिए क्लैपिंगो ज्वाइन करा, बट मैं बता रही हूँ सर मैं आपको 2 साल से देख रही हूँ, मैंने आपसे जितना लर्न करा जितना सीखा है क्लैपिंगो में उससे 10% भी मेरे को समझ नहीं आया, वो लोग सिर्फ 15 मिनट जस्ट दे आर टॉकिंग टू यू एंड समझ नहीं आता कि टाइम कहाँ से चला गया, पता ही नहीं चलता, मेरी बारी ही नहीं आती है सर, दैट्स व्हाई आई जस्ट लेफ्ट देयर, तो मुझे लगा कि ये तो बेटर नहीं है, फिर मैंने बहुत ट्राई करा, ग्रामर जिनको अच्छा पकड़ है पहले से सीख चुके हैं। हाँ वो तो है, वो तो है उसके लिए है, बट वो लोग मतलब क्या है ना, वो जस्ट लाइक ड्यूटी, दे जस्ट डू देयर ड्यूटी लाइक एंड यू आर जस्ट फोकसिंग ऑल द थिंग्स सर, आई जस्ट मस्ट से कि आपकी जो वीडियोज है उसमें सिखाया जाता है एक्चुअली, बट वो लोग ड्यूटी करते हैं जस्ट लाइक दैट, तो मुझे यहाँ पे आना बहुत दिन से मेरा शौक था कि मैं आपसे बात करूँ, तो मैंने बहुत ट्राई करा सर, तो फिर मैंने देखा आपने किसी को शेयर करा अपनी व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, मैंने मैंने वहाँ से ज्वाइन करा। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली क्या है ना सर, जितने भी एप्स और क्लैपिंगो या फिर जितने भी एप्स हैं वहाँ सिर्फ वो टॉपिक दिया जाता है, वो बस उस पे आपको बोलना रहता है, वहाँ बेसिक से आपको थोड़ी सिखाते हैं डज लगाना या डू लगाना है, सेंटेंसेस हाउ टू मेक सेंटेंसेस सब कुछ आप ही से देख के सिखा सर मैं सच में बहुत। और सर हर बैच में 35 एबव स्टूडेंट होते हैं, अगर मिल गया तो 2 सेकंड मिल गया, नहीं तो ठीक है कल आइएगा आप। डेफिनेटली। तो गाइस तो अभी मैंने आधा घंटा आप लोगों को मोटिवेट कर दिया है, और इट टेक्स टाइम, और कोई भी चीज आ ही जाती है यार, हम जब करेंगे धीरे धीरे तो आ ही जाएगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ओके प्रैक्टिस हम करेंगे तो आ जाएगा, तो अब डर के घबरा के जल्दीबाजी मचा के कुछ नहीं होगा। अब इससे क्या होता है कि आपने एक इंस्टीट्यूट छोड़ा, जैसे मार्केट में होता है कभी वहाँ किए कभी वहाँ किए कभी वहाँ किए, आया कुछ नहीं,
बट सर एक चीज तो है, जब हम अपना माइंड ना ये करते नहीं हमें बोलना है, अगर हम फोर सेंटेंस बोलेंगे पर डे में भी ना, उस फोर में ना हमें लगेगा हमारे दिमाग में वही सब चीजें चलेंगी, हम सिक्स बोले ट्राई करेंगे कि हाँ हमें बोलना है, अगर हमें सोचते नहीं हो रहा है रहने दो, वो हमारे दिमाग से फोर भी गायब हो जाएंगे। सर मॉडल्स वगैरह मैं कभी जानती भी नहीं थी कि क्या स्ट्रक्चर होते हैं कैसे होते हैं, मैंने आपको शुरू से फॉलो किया सर, एवरीथिंग मतलब आपने सब कुछ कवर अप किया आपके वीडियोस में, जी, जी, जी. तो वो बेटर थिंग है एवरीथिंग आपने पर माहौल सबसे बड़ा में होता है सर। कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मुझे मैं कभी बोल भी नहीं पाता था कैन आई गो, लड़खड़ाता था मैं और जहाँ माहौल था वहाँ। अभी क्या जैसे आप किसी ऑफलाइन क्लास में जाएंगे आप खाली इंक्वायरी के लिए चले जाएंगे ना, जो इंग्लिश स्पीकिंग का बिजनेस चलता है, आप घर आएंगे आपका फोन बजेगा, समझ रहे हैं, फोन बजेगा, आप फोन उठाएंगे नहीं, मतलब इतना वो आपको परेशान करेंगे, एडमिशन ले लो एडमिशन ले लो, ये पूरा एक मार्केट बिछा हुआ है, यू नो अंग्रेजी बोलना सीखे। यस सर, मैंने मैंने क्लैपिंग को लेफ्ट कर दिया, फिर भी वहां से नोटिफिकेशन वगैरह, फिर से रीजॉइनिंग के लिए इतने परसेंट डिस्काउंट देंगे आपको, आप रीजॉइन करो, एवरीथिंग हमेशा आते रहते हैं। तो और मैं यहाँ पर एकदम सच्चाई ना अंदर की दिल की बात बताता हूँ कि भाई ये सच्चाई है। तो कई लोगों को सच्चाई बुरी लग जाती है क्योंकि यू नो सबको वही सुनना है कि हाँ आइए जादू होगा एकदम दो महीना आइए आइए ये सुनना है, एक महीने में सीख जाइएगा। एनीवेज गाइस चलिए शुरू करते हैं, काफी टाइम हो गया तो बाकी आएगा रिजल्ट, ऑफ कोर्स आएगा, मैं आपके साथ हूँ, रिजल्ट कैसे नहीं आएगा, आएगा शुरू करें सर। सारे जब तक हमारे स्टेंस नहीं क्लियर होंगे ना चीजें, मेरे साथ तो इशू ही है, मुझे ये नहीं आता कहाँ मुझे हेड यूज करना है कहाँ मुझे क्या यूज करना है, इंसान का अभी तो क्लास शुरू हुआ है, आगे अब सभी वार्म अप हो गए तो सर आगे थोड़ा सा पेशेंस, उसके बाद सब ठीक है, थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे। मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि जब सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो, हम बोलने की प्रैक्टिस करना शुरू करें और फिर अचानक एक कोई सिचुएशन दे दिया जाए कि सिचुएशन पर चलो इंग्लिश बोलो, तो तुरंत हम होगा ना कि क्या बोलना है, डू है कि डज है कि डिड है, यू नो। सर जैसे अभी मेरे साथ हो रहा है कहाँ डू यूज करना है कहाँ डज यूज करना है कहाँ हैज, ये मेरा क्लियर हो चुका है, बाकी आगे पास्ट का फ्यूचर का देखते हैं। हेलो जी सर, मैंने फर्स्ट टाइम आपको जोश प्लेटफॉर्म पे देखा था और उसके बाद मैं आपके वीडियोस मैंने देखे और मैंने चार पांच वीडियोस देखी, उसके बाद से रैपिड फायर जब आपका देखा और उसके बाद से मतलब खुद से मुंह से इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया अपने बेटे से मैंने, तो मुझे मतलब लगा कि बहुत ईजी है, आपको देख के लगा कि नहीं कि हाँ मैं बहुत ईजी सर। जब रैपिड फायर होती है ना सर, जब रैपिड फायर होती है ना तो ऐसा फील होता है कि ऐसा लगता है कि मैं ही बोल रही हूँ उस जगह पे, आप अपनी प्रैक्टिस हो जाती है सर। यस सर, किसी दिन करते हैं आप लोग ऐसा रैपिड फायर करते हैं। यस बिल्कुल, चलिए गाइस मैं शुरू करता हूँ, चल लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। ओके सो हियर वी गो, आइए तो गाइस आज का हमारा टारगेट है स्टोरी टेलिंग और देखिए स्टोरी टेलिंग में चार आइटम तो ऑफ कोर्स होते हैं, अगर मैं टेंस की बात करूं पास्ट टेंस की बात करूं चार आइटम तो इसमें होते हैं, पहला क्या होता है पास्ट इनडेफिनिट, नंबर सेकंड है आपका past continuous, third पता है किसी को? Yes sir, past perfect, past perfect continuous, and number fourth past perfect continuous। इन चारों में से जो सबसे ज्यादा मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है कि ये जो past indefinite है ना 100% रोज यूज होने वाला है, तो इसको तो हम सबसे पहला टारगेट बनाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस को अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है 30-50% इसका इस्तेमाल हो सकता है, और ये जो पास्ट परफेक्ट है आप पूरी कहानी बोलोगे कहीं पर 1% यूज होगा अचानक कहीं पर, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 0.5% आधा परसेंट कभी यूज होगा। तो हमें इस पर फोकस करना है, ये हमें हेल्प करेगा स्टोरी टेलिंग में, जो मस्त इंग्लिश जिसे हम कहते हैं वो हेल्प करने वाला है। अब शुरू करते हैं, हम इसी पे काम करेंगे और आज इसी पर स्टोरी टेलिंग सीखेंगे भी। चलिए तो आइए पास्ट इनडेफिनिट,
गाइस आपको पता है कि मैं आपको हिंदी पहचान वगैरह नहीं बताने वाला हूँ, मैं थोड़ा अंग्रेजों के हिसाब से सिचुएशन बताता हूँ आपको। होता क्या है पास्ट परफेक्ट में, सपोज मान लेते हैं कि एक एक लड़की है, अब इस लड़की ने किसी पास्ट टाइम में, पास्ट टाइम मतलब कोई भी जो फिनिश्ड हो गया, जैसे कि मान लो यस्टरडे की बात है, या मान लीजिए कि कल की बात है, या पिछले हफ्ते की बात है, यू नो लास्ट वीक हो गया, लास्ट महीने हो गया, तो इसने किसी पास्ट टाइम में कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया। मान लो ये मार्केट गई, इसने मार्केट में कुछ ख़रीदा, मार्केट में कुछ खाया होगा, यू नो किसी से मिली, उसके बाद ये घर वापस आ गई। तो कहने का मतलब है इसका जो सिचुएशन होगा वो होगा कि किसी सब्जेक्ट ने किसी पास्ट टाइम में जो भी एक्शन परफॉर्म किया तो वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगा। जो भी एक्शन परफॉर्म किया मतलब किसी को मारा, किसी को पीटा, कुछ भी किया। जैसे मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ, आप मुझे बताना कि पास्ट इंडेफिनिट है या नहीं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी हिंदी क्या होगी और क्या है। अब किताब में देखोगे तो कहीं पर आ ई ऊ सिर्फ ऐसा आपको दिखाई देने वाला है, ता था ती थी, ये दिमाग खराब कर देंगे आपका। सीन देखिए, गया भैया। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये आप है और अभी आप 8:30 पे अपनी कहानी सुना रहे हैं, तो ये 8:30 आपका कौन सा टाइम हो गया, प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम इसी जो प्रेजेंट टाइम, इस 8:30 से पहले आपने जितनी जिंदगी जी ली ये कौन सा टाइम हो गया होगा, सोचो। पास्ट टाइम। और बात आज की हो रही, आज मतलब टुडे, तो हम प्रेजेंट है ना, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि टुडे प्रेजेंट है। हम टुडे के जिस हिस्से में है, जिस पार्ट में है वो प्रेजेंट है, और जो हमने जी लिया वो क्या हो गया, पास्ट हो गया। पास्ट। तो अब अगर आप में से कोई आज, यू नो हर बंदा आज सुबह उठा होगा, फ्रेश हुआ होगा, आपने चाय भी बनाई होगी, नाश्ता बनाया होगा, नाश्ता किया होगा, आज किसी पे गुस्सा हुए होंगे, यू नो लड़ाई की होगी, बहुत कुछ किया होगा आज, यू नो। तो अब ये एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म किया आप किसी को बताएंगे तो आपको कौन सा टेंस यूज करना होगा उसके लिए, पास्ट। तो यही सिचुएशन है, आप इसको बांग्ला में सोचो, हिंदी में सोचो, पंजाबी में सोचो, फर्क ही नहीं पड़ता है जी। मैं तो कहता हूँ अंग्रेजी में सोचो, आपको बस ये सिचुएशन पता होना चाहिए कि आपने जो किया आज पास्ट इंडेफिनिट, अब जो भी किया। अब इसके लिए पहले एक स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर एक छोटी सी कहानी आभा आपको बोलकर सुनाएंगे। ओके, ए से शुरू करना है ना, तो ए फॉर आभा। ओके, तो स्ट्रक्चर के पहले बात करते हैं। स्ट्रक्चर इसका है कि हम जिसके बारे में बात करें वो हमारा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है। ये सब्जेक्ट हमारा आई भी हो सकता है, वी, यू, दे, चाहे वो कोई प्लूरल हो, चाहे वो कोई सिंगुलर हो, ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नाम हो, डजंट मैटर। ये सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो दीज बॉयज, ये लड़के, दोज गर्ल्स, यू नो वे लड़की, आप ऐसे भी कह सकते हो मेरा बेटा, तुम्हारी बेटी, सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट है, यू नो उसका पति, हर हस्बैंड, उसकी पत्नी, हिज वाइफ, हमारे बच्चे, आर चिल्ड्रेन, उनके बच्चे, देयर चिल्ड्रेन, कुछ भी, ये सारे सब्जेक्ट है। अब जिसके बारे में बात करो वही सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट ने जो परफॉर्म किया तो रूल क्या आएगा, सब्जेक्ट उठा लो ऊपर से, जो हुआ वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, सेकंड फॉर्म, जो बचा वो ऑब्जेक्ट। बाकी आप या तो पास्ट टाइम यहाँ दिखा दीजिए या आप पास्ट टाइम को शुरू में दिखा दीजिए, दोनों में से कोई एक काम करना। या तो आप ऐसे शुरू में बोल दो यस्टरडे, नहीं तो लास्ट में दिखा दो, दोनों में से कोई एक। तो मैं लास्ट में फिलहाल लिख रहा हूँ। अब यानी कि अगर मुझे बोलना है कि मैं सुबह उठा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ बता। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि आई वॉज गॉट अप, क्या ये सही है या गलत?
अगर आपको बोलना है कि मैं अपने बेटे के साथ पार्क गई, एक सेंटेंस बोलना है, यानी कि आपने जो किया वो सेकेंड फॉर्म है, करेक्ट? सेकेंड फॉर्म। तो अब सिर्फ सेकेंड फॉर्म पर एक छोटी सी कहानी लाया हूँ जो अभी आभा बोलकर आपको दिखाने वाली है। मैं अभी ऑन द स्पॉट आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आज आभा घर पर, ये इनका घर है, ये सुबह उठी, फ्रेश हुई, इन्होंने चाय बनाई, टी, और चाय बनाने के बाद मान लीजिए कि इनके हस्बैंड सो रहे थे, तो ये अपने हस्बैंड को उठाई, यू नो ये हस्बैंड है, इनको इन्होंने उठाया और इनको चाय दिया कि भाई चाय पियो। उसके बाद फिर इन्होंने नाश्ता बनाया, ब्रेकफास्ट, सब कुछ कंप्लीटेड एक्शन मान लीजिए कि ऐसा पास्ट में किया, नाश्ता बनाया, उसके बाद सारे लोगों ने एक साथ नाश्ता किया, मतलब फुल फैमिली ने एक साथ नाश्ता किया, मान लो ऐसे ही किया, बस इतना बोलना है। तो बताइए कैसे आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, बोलिए आप, आज की बात है, मतलब आप ऐसे बोल सकती हैं कि आई, ऐसे बोल सकते कि यू नो आई गॉट अप, मैं उठी, यू नो आई गॉट अप। सर अपने हस्बैंड को जगाया तो यहाँ क्या यूज करेंगे, मेड गेट अप, गेट इन, वेक माय हस्बैंड अप। हां जी, यहां पर वेक माय हस्बैंड अप, वॉक माय हस्बैंड अप। हां, तो जैसे वॉक माय हस्बैंड अप, वेक समवन अप, तो इसका सेकंड फॉर्म कर देना वॉक, बस वॉक माय हस्बैंड अप ऐसे कर देना। चलिए, ओके सर। Today I woke up early in the morning around 4:30 a.m. sorry, and first I freshed up, and after that I went to the kitchen and made some tea for my family, and when after making tea I went to my bedroom and got up my husband. आज वोक माय हस्बैंड अप, मैंने पति को उठाया, वोक माय हस्बैंड अप, वोक माय हस्बैंड अप, यस। एंड देन आफ्टर व्हेन माय हस्बैंड वोक अप, आफ्टर दैट ही आल्सो ड्रैंक टी, एंड आफ्टर दैट आई अगेन केम इनटू माय किचन एंड प्रिपेयर्ड सम ब्रेकफास्ट फॉर मी एंड माय फैमिली। तो इससे ये समझ में आया कि हम सिर्फ इस पास्ट इंडेफिनिट पर आधारित पूरी की पूरी कहानी बोल सकते हैं, और हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ सेकेंड फॉर्म की। और हमारे जो वर्ब्स हैं वो बिल्कुल वही बेसिक वर्ब्स हैं, बेसिक है, नॉर्मल है। अच्छा, अब इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर देते हैं। एक सिचुएशन मैं आपको देता हूँ, देखिए मान लीजिए कि ये एक लड़का है, और ये अभी बीरू बोलकर दिखाएंगे, बीरू आर यू देयर, बीरू, ए यस सर, बाबा यस सर, ये लड़का इसने एक पीस ऑफ पेपर लिया, इसने अपनी जेब से एक पेन निकाला, इसने एक लेटर लिखा। देखो तीन एक्शन हो गए, ये सब्जेक्ट है, इसका नाम है राम, सब्जेक्ट ने जो भी एक्शन पास्ट में परफॉर्म किया वो सेकंड फॉर्म है, तीन एक्शन हो गया। इसके बाद ये एक लड़की के पास गया, यहाँ पर एक लड़की, लड़की के पास जाकर के इसने वो लेटर, जो लेटर इसने लिखा था, इस लेटर को इस लड़की को दे दिया, लड़की ने लेटर को पढ़ा, मतलब यहाँ पर उसने दिया गिव, एक एक्शन हो गया, लड़की ने पढ़ा, एक और एक्शन हो गया रीड, उसके बाद लड़की ने इसको स्लैप किया, थप्पड़ मारा, बस बहुत सारे एक्शन हो गए।
अगर बीरू से नहीं हुआ तो जिससे हो मुझसे नहीं हो पाएगा लग रहा है। समय आए ओके प्लीज प्लीज समय आए। मियाई जो पहले मियाई बोला है वो मियाई जो पहले बोला है वो मीनू चाहिए मीनू आई राम समय आए। हां राम आइए ना मीनू आइए प्लीज ओके सर। दैट बॉय इज राम। Yesterday he went to a park. He took out a pen and a paper from his bag and write something as a letter. That letter he gave to a girl. That girl read this letter and after reading, she gave a tight slap to Ram. अच्छा बहुत अच्छा आपने बोला। यहाँ एक जगह समथिंग रॉन्ग एंड एक एक जगह राइट का सर रॉड राइट यस सर सब सब मे बी राइट एंड गिव सर दिमाग में रॉड ही था लेकिन मे बी टंग स्लिप यस यस इसी को कहते हैं। सर आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन सर प्लीज प्लीज पूछिए। सर वेक अप एंड गेट अप बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट और सेम सर? हां थोड़ा डिफरेंट है मैं बताता हूं कैसे डिफरेंट है। देखिए यस सर वैसे सवाल पूछा किसने? सर आभा ने पूछा। ओके नाम बताना पड़ता है आभा। नो सर सम वेयर सर आई हर्ड दिस वर्ड सो दैट्स व्हाई सर आई वांट टू क्लियर दिस वर्ड। सो गेट ठीक एंड जब कोई सो रहा होता है और जैसे उसकी आंखें खुल जाती है आंखें वो खुलनी चाहिए बस आंखें खुलना क्या हो गया हमारा वेकअप। अब आंखें खुली है आप यहीं पर मोबाइल लेकर इंस्टा खेल रहे हो तब तक वेकअप ही है और जैसे आप बिस्तर से उठकर निकल गए वो सीन क्या हो गया गेटअप हो गया। इतना ही फर्क है। तो आजकल क्या है स्पोकन इंग्लिश में लोग गेटअप ज़्यादा बोलने लगे वेकअप कम बोलते गेटअप ज़्यादा बोलते वो फाइनल टच दिखाते हैं ना बिस्तर छोड़ने का टच। सर इसका मतलब तीनों फॉर्म अलग अलग होगा कि एक ही होगा गेट गॉट ऐसे करके गेटअप गॉटअप गॉटअप चलता है गॉटन अब कोई बोलता नहीं गेटअप गॉटअप गॉटअप फाइन गाइस। सर जी जी बोलिए सर। सो इंग्लिश आई थिंक इट बी आई हैड टेकन माय बेड इज इट राइट और रॉन्ग कुडंट हियर हर क्या कह रही है आई हैड नो नो आई हैड टेकन माय बेड कुछ देर में क्लियर होगा मैं बता दूंगा। एनीवेज गाइस ठीक है अब देखिए यानी कि सेकेंड फॉर्म में तो आप एकदम ओके हो गए बट इफ आई से कि ये आभा अपने किचन में गई। अब देखिएगा अगला जो हमारा स्ट्रक्चर होगा किचन में गई और किचन में इन्होंने कुछ अनियंस थे अनियंस को चॉप करना शुरू कर दिया। चॉप किया नहीं चॉप करना शुरू कर दिया। तो अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि अच्छा आभा सुबह उठी फ्रेश हुई किचन में गई और अनियन काटने लगी तो इस चॉप करना शुरू करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होगा starting. जो इतना इम्पोर्टेंट है कि एकदम बेहतरीन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट यहाँ पर आपको स्टार्ट का सेकंड फॉर्म करना है स्टार्टेड और फिर आपको वर्ब में आईएनजी लगा देनी है जिसको जेरंड कहते हैं टॉकिंग स्टार्ट। अब अगर मैं वो पूरा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है प्लीज एक बार रिपीट करेंगे। जी 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 मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने किसी काम को करना शुरू कर दिया तो हम क्या यूज करेंगे स्टार्टेड यूज करेंगे स्टार्टेड। मेरी आवाज आ रही है अभी सबको? यस यस सर। तो अगर मैं उस स्टोरी को सुनाऊं अगर मैं ऐसे बोलूं कि आभा सुबह उठी तो मैं कैसे बोलूंगा आभा आभा गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चलो अर्ली लगा देते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके देन शी वेंट टू द किचन ठीक है उसके बाद वो किचन में गई आफ्टर दैट शी वेंट टू द किचन ठीक है टू या इंटू दोनों में से कुछ भी लगा दो टू भी चलेगा शी वेंट इनटू द किचन किचन इनटू में ऐसा लगता है कि पूरा एंटर मारा प्रवेश किया किचन और अनियन काटने लगी एंड आफ्टर एंड स्टार्टेड चॉपिंग द ऑनियंस चॉपिंग सम ऑनियंस है कुछ अनियंस काटने लगी
तो तुरंत यहाँ पर देखो एक छोटी सी कहानी हो गई, कहानी आभा की, यू नो छोटी सी कहानी हो गई। तो ये स्ट्रक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक और स्ट्रक्चर, सर वी कांट यूज हियर द ऑनियन, ऑनियन जैसे पोटैटो के साथ पोटैटोज होता है ना, तो ऑनियन का ऑनियन प्लूरल हो गया। नहीं नहीं प्लूरल की बात नहीं कर रही मैं, दी ऑनियन नहीं लगा सकते। अच्छा दी, मैंने वो अगर दी बोलेंगे तो ऐसा लगेगा हाँ कुछ खास ऑनियंस थे उसी को काट रही थी, लगा दीजिए ना क्या दिक्कत है। मैंने तो सम लगाया था कि कुछ दो चार पीस हो। अच्छा एक और स्ट्रक्चर मैं आपको देता हूँ, अब ध्यान से सिचुएशन को देखो, बिकॉज सिचुएशनल इंग्लिश है ना। अब मुझे कहना है कि आभा पार्क गई, आभा आज सिर्फ आभी के बारे में बात हो रही है, ठीक है सर, बट दैट पिक्चर लुक्स लाइक सेफ सर। ओके कोई नहीं, अब आपका हूबहू पिक्चर तो नहीं बना पाऊंगा। ओके आभा कैरिंग द कैरिकेचर, जस्ट कैरिकेचर। ओके तो आभा पार्क गई, पार्क में कैसे शोर आ रहा बहुत भाई, बाकी लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए ना, प्लीज टर्न ऑफ द ऑडियो, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, एक सारे लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए दो मिनट के लिए, दबाइए बटन, बीरू ऑडियो ऑफ करो। ओके एक लड़का कुछ कमेंट पास करने लगा, ध्यान दीजिएगा कमेंट पास करने लगा। ओके अब आभा इस लड़के के पास गई और इसको पीटने लगी और 10 मिनट तक पीटती रही। सोचिए क्या क्या हुआ, पार्क गई, एक एक्शन हुआ पास्ट इंडेफिनिट में, उन्होंने देखा कि एक लड़का कमेंट करने लगा, यहाँ स्टार्टेड लग सकता है, ये उसके पास गई सेकंड फॉर्म, थप्पड़ मारना शुरू किया स्टार्टेड और मारती रही 10 मिनट तक पीटती रही। तो अगर कोई काम आप करते रहे कंटिन्यूटी बरकरार रही तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर और है, और वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हम लगाएंगे कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट, यहाँ पर ऑन लगाइए केप्ट स्लीपिंग, वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है क्योंकि प्रोसेस है, आईएनजी प्लस अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो। अब पूरी स्टोरी मैं सुना रहा हूँ तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि चल आभा पार्क गई, तो आभा वेंट टू पार्क, आप द भी लगा सकते हैं, आप वेंट टू द पार्क कर दीजिए, किसी खास पार्क है वही गई, वेंट टू द पार्क। ओके अचानक एक लड़का वहाँ आ गया, Suddenly a boy came here. और वो कमेंट पास करने लगा, एंड ही आभा को क्रोध आ गया, क्रोध आ गया आभा, गॉट आभा गेट एंग्री, वो उस लड़के के पास गई, शी एंड शी वेंट टू द बॉय और उसको पीटने लगी, और उसको 10 मिनट तक पीटती रही, एंड kept on beating for 10 minutes। ये हो गई पूरी की पूरी कहानी। तो देखिए स्ट्रक्चर का मजा लीजिए, तो अब आपको सिचुएशन देखकर अंग्रेजी बोलनी, वो ट्रांसलेशन नहीं कि वो आई और गई और सोई, ऐसा नहीं करना हिंदी का। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब आपको कुछ कनेक्टर्स चाहिए, उसके बाद आप फ्री हो, आपको मैं इमेज दूंगा, आपको डिस्क्राइब करना है। तो आइए मैं लिख दूं कि इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्टोरी सम कनेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, जरूरत क्या पता पड़ जाए। तो पहला जो कनेक्टर है इसको बोलते हैं आउट ऑफ नोवेयर, क्या पढ़ेंगे कहीं से, हाँ कहीं से, मतलब इसको ये नहीं नॉर्मल हिंदी बोलो न जाने कहाँ से, न जाने कहाँ से। अब सेम चीज है कि जैसे कि मैं पार्क गया, आई वेंट टू द पार्क, न जाने कहाँ से कुछ गुंडे आ गए, out of nowhere some goons came there, तो आप इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर यूज कर सकती हैं, न जाने कहां से, मतलब एक कनेक्टर है बीच में लगा देंगे। अगला जो है इसको बोलते हैं consequently,
कॉन्सिक्वेंटली कैसे पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंटली 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 इसका मतलब साथ साथ परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट जो ऑडियो खराब सर ना किसी ऑडियो से ना बहुत खराब साउंड आ रहा है ये देखिए बहुत ज्यादा आ रहा है प्लीज जरा ऑडियो अब दो मिनट के लिए ऑडियो बंद कर लीजिए सारे ये मेरा बंद है संध्या आप ऑडियो बंद कीजिएगा ओके संध्या में से कहीं से वो होता है कई बार ऑडियो का कोई बात नहीं चलिए तो कॉन्सिक्वेंटली पहले देख लेते आराम से फिर एक एक करके बोलिएगा नो प्रॉब्लम परिणाम स्वरूप कैसे जैसे मैं बोलूँ कि शी जैसे ऐसे बोलूँ कि अ बॉय स्टार्टेड passing some comments on a girl एक लड़की पे comment pass करने लगा और फिर मैं बोलूँ कि परिणाम स्वरूप consequently परिणाम स्वरूप लड़की उसे पीटने लगी the girl started beating him तो ऐसे आप अपनी story में चार चांद लगाएंगे इनको add करके देखिए consequently आ गया यानी कि पहले आपको दिखाना है कि हुआ क्या था जैसे लड़के ने कमेंट पास किया तभी तो उसका रिजल्ट आएगा ना कोई आपके साथ कुछ करेगा तो रिजल्ट के तौर पे आप भी कुछ करोगे तो ये रिजल्ट को दिखाता है तो कॉन्सिक्वेंटली एक्सक्यूज मी सर जी आप सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे ये जो मैं लिख रहा हूँ यही पीडीएफ बनेगा और आपको मिल जाएगा सेम चीज आपको लिखने की यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग अच्छा लिखूं नहीं सर नहीं 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 लिखना नहीं ये मैं लिख रहा हूँ ना सर ये पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड करोगे आप ग्रुप व्हाट्सएप पे और जिस ग्रुप में आप अभी एडेड हो ना ग्रुप में उसी व्हाट्सएप ग्रुप सर मैं मेरा आज आई थिंक फर्स्ट डे है तो मैं किसी ग्रुप में तो ऐड नहीं हूं अरे नहीं बिना ऐड के आपको लिंक कैसे मिला कहां से मिला आपको आपने व्हाट्सएप करा था सर मैंने आपको अलग से लिंक भेजा वही ग्रुप है यस सर व्हाट इज योर नेम सर मैं भी चेक कर लूं सर अनीता ठाकुर मैंने अलग से लिंक भेजा क्या अच्छा अच्छा वो जो ग्रुप है सर आज करके बैठ वही ग्रुप है ना सर अभी जैसे अभी एक 8 पीएम ग्रुप में सबको गया है ना लिंक एक साथ हां हां सर यस सर उसमें अनीता आप एडिट नहीं हो क्या नहीं सर मुझे तो सेपरेटली एक लिंक आया जिस पे मैंने क्लिक करा एंड मैं इसमें ज्वाइन हो गई ओके ओके तो मैं आप ना मुझे एक मैसेज कर देना कि प्लीज ऐड मी टू द ग्रुप ठीक है श्योर सर मैं आपको और अपना नाम भी लिख देना मैं आपको ऐड कर लूंगा क्लास के बाद ठीक है सर थैंक यू सर ओके 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 ठीक है तो ये हो गया उसके बाद एक स्ट्रक्चर है मतलब इसको स्ट्रक्चर क्या है इसको कनेक्टर ही बोलिए शायद सुना होगा आपने इन ब्रॉड डे लाइट इसको क्या बोलते हैं दिन दहाड़े दिन दहाड़े अब तो चूंकि आप स्टोरी टेलिंग अभी सीख रहे हैं तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी आपको बोलना है कि दिन दहाड़े एक लड़के ने एक लड़की को मोलेस्ट किया तो कैसे बोलेंगे कि अ बॉय मोलेस्टेड अ गर्ल इन ब्रॉड डे लाइट इन ब्रॉड डे लाइट हो गया तो आप अपनी स्टोरी को अच्छा बना सकते हैं इन ब्रॉड डे लाइट सर मोलेस्ट का मीनिंग क्या होता है छेड़ना छेड़छाड़ करना मोलेस्ट सर आउट ऑफ नाउ वेयर देयर सर ओनली वी विल यूज सिंगल डब्ल्यू हां सिंगल ये किधर गया वो नाउ वेयर नहीं वो नो वेयर है ये नो है और ये वेयर नो वेयर नो वेयर नो वेयर सर या नाउ नहीं हो ओके उसके बाद एक और है इसको बोलते हैं इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मजेदार है ये भी पलक झपकते ही जो कहानी बोल रहा आपने बोला पलक झपकते ही वो चोर भाग गया तो कैसे बोलोगे दैट थीफ रैन अवे इन द ट्विंकलिंग ऑफ हिज टीयर्स इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई ऐसे करके आप बोल सकते हैं तो ये भी हो गया आपका एक आता है हरीडली सुना हरीडली जल्दी से जल्दी से जल्दी से सर इसकी जगह एक और आ गया मार्केट में
hastily जल्दी से. एक और आ गया है इंग्लिश मूवी में यूज होता है hastily hastes. एक आ गया है या in hot haste. जो भी इनमें से यूज करने का मन कर सबका मतलब है जल्दी जल्दी से या जल्दीबाजी में. जल्दी जल्दीबाजी में बड़ी जल्दी से उसने दरवाजा बंद कर दिया तो ही शट द डोर हेस्टली कर दिया. हेस्टली अच्छा लग रहा है ना हेस्टली. हां यूज कर सकते हैं. ओके एक वर्ड एक कनेक्टर सर इसको हर्स्टली प्रोनाउंस करेंगे. नहीं नहीं ये हेस्टली है हेस्ट हेस्टली. एक है इन द निक ऑफ टाइम थोड़ी सी समय में. नहीं नहीं इसको कहते हैं एन मौके पर. क्या बोलते हैं एन मौके पर. अच्छा एन मौके पर यानी कि ठीक समय पर. ठीक ठीक समय पर. अब जैसे बोल रहे हैं कि एन मौके पर पुलिस आ गई तो कैसे बोलेंगे कि The police came in the nick of time. The nick of time. तो ये स्टोरी अच्छी हो जाएगी आपकी. इसके बाद बाकी तो छोटा मोटा ऐसे instantly. ये इसका मतलब है तुरंत ही. instantly. तुरंत से ही. ओके जैसे तुरंत ही वो रोने लगा. He started crying instantly. सर एकदम से का क्या होगा सर. मतलब कोई बोलता है एकदम से शुरू हो गया तो instantly. जैसे एकदम से के लिए एक वर्ड आता है लेकिन आपने इसको गूगल सर्च करना abruptly. मतलब सर instantly भी यूज कर लेते हैं ना वैसे. हाँ instantly तुरंत ही. abruptly नहीं तो अचानक से वो हंसने लगा. लेकिन एक बार प्लीज इसका गूगल सर्च कोई करेगा अभी लाइव. सडनली भी तो यूज कर सकते हैं क्या. सडनली तो भाई हमारे पास अचानक हो बट एकदम से मतलब सोचा भी नहीं. मतलब सोचा भी नहीं सडनली दैट मींस थोड़ा टाइम लेता है. प्लीज जरा एकदम गूगल सर्च कीजिए ना. अभी दूध का दूध हो जाएगा. कुछ है क्या. ओके सर आई अभी कर. एब्रप्टली मींस सडनली सर. एक का एक है ना. ठीक है फिर. यस सर. एक का एक ठीक है फिर. सडनली भी आ रहा है सर. वही सेनोनिम्स तो वही होंगे. कहाँ जाएंगे सेनोनिम्स तो वही. तो ही इसका प्रोनाउंस कैसे होगा. अब एक बार प्रोनाउंसेशन चेक कर लीजिए. एब्रप्टली होगा. एब्रप्टली हां टॉ है टी है उसके अंदर. एब्रप्टली तो ही स्टार्टेड सिंगिंग एब्रप्टली. अचानक से वो गाने लगा एब्रप्टली. तो सिंगिंग के स्पेलिंग में समथिंग इज रॉन्ग. अच्छा सॉरी. ओके सिंगिंग एब्रप्टली. यस सो जो टाइप करके पढ़ाना इज सो डिफिकल्ट इजंट इट. सर लेकिन ये अच्छा है. कितनी मेहनत समझ आता है टाइप करके. ओके तो और छोटा मोटा तो पता है जैसे कि सडनली पता है सर. हम लोगों ने आज तक स्कूल में नहीं लिखा था जितनी आप वीडियोस में लिख देते हो. यस यस यस. आज तक स्कूल में इतनी नहीं लिखा. आज शुरू से लेके जितने तक पढ़ाई करा है हम लोगों ने. अच्छा सडनली तो क्लियर है सबको. अचानक और सडनली की जगह एक और आ गया है ऑल ऑफ अ सडन. ऑल ऑफ सडन इसमें ऑल ऑफ सडन इसमें ए भी रहता है. एक बार देख ऑल ऑफ सडन अचानक. अचानक से वही है. अचानक से एक बार गूगल सर्च आप कर लेना कि ए है कि नहीं है. ऑल ऑफ सडन मींस सब कुछ अचानक ऐसे. सर ऑल ऑफ सडन. सर ऑल ऑफ सडन है. ए नहीं है ना. ए है कि नहीं है. सर ए सुना नहीं. नहीं एक बार आप ऑल ऑफ सडन दिमाग में आ रहा. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ ए चिपके हुए रहते हैं तो मुझे यहाँ पर आप एक बार कंफर्म हो जाना. ऑल ऑफ सडन इज राइट और ऑल ऑफ सडन. एक बार आप चेक. ऑल ऑफ ए सडन ही सही है सर. मतलब सिचुएशन के हिसाब से सर ऑल ऑफ है. सीरियसली एक मैं बताता हूं. ऑल ऑफ सडन. ऑल ऑफ सडन है और ऑल ऑफ सडन. सर ऑल ऑफ सडन है मुझे. ये नहीं है ना. दिमाग में नहीं सर. ये नहीं है. ये नहीं सर. ए है सर. अच्छा मैं आपको कुछ चीजें बता दूं. दादी है और ए भी है. कुछ भी यूज कर सकते. एक्चुअली ग्रामर में ना कुछ जगह पर ए फिक्स है. जैसे कि आपने सुना है मेक अ नॉइज.
सुना होगा तो इसमें ए होता है, ए तो भूल नहीं सकते हैं, ए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेक अ नॉइज और मेक नॉइज दोनों डिफरेंट मतलब लोग क्या करते हैं, लोग स्पोकन इंग्लिश में एक आ जाते हैं, उनको शायद पता नहीं चलता सर, ये स्पोकन में नहीं बोलते ज्यादा, ग्रामर में नहीं पूरा है, इसलिए जब मैं लिखता हूं तो मैं एक बार कंफर्म करवा लेता हूं। उसके बाद इसमें तो गूगल तो बता रहा है there is no grammatical reason why the correct phrase is all of a sudden versus all of the sudden. Okay, चलो दोनों सही है ना सर, बहुत ही सही होंगे तो। जैसे कि एक होता है in a hurry, इसमें भी ए रहता है, you know? Yes, sir. In a hurry, जल्दी में, जल्दीबाजी में या जल्दी में, तो ये छोटे छोटे ए हैं जो चिपके रहते हैं। यहाँ तक कि आपको शायद पता नहीं, नहाने के लिए भी लगता है have a bath, you know? Have a bath. Yes, sir. चलने के लिए भी लगता है have a walk, you know? Have a walk. इतनी सडनली भूल जाते हैं कि वो ए सुनाई नहीं देता स्पोकन में ज्यादातर। ये छोटी छोटी जैसे have a drink, बड़ा मजेदार। अंग्रेज जैसा बोलते हैं वो तो अधिकतर वर्ड्स खा ही जाते हैं, समझ ही नहीं आता है। सर आई वांट टू शेयर समथिंग सर। जी बोलिए बोलिए। सर देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड्स सर इन इंग्लिश सर, व्हिच वन सर आई डोंट नो एग्जैक्ट प्रोनाउंस सर, सो व्हाट डू आई डू सर? प्रोनंसिएशन का Yes, sir. There are lots of words. Which one, sir? I don't know exact pronounce. अच्छा, guys, मैं आपको बता दूँ कि इसका ना कोई उपाय नहीं। वाकई जिन्होंने कहा ना कि Google पे सर्च मार लेते हैं। होता क्या है? Actually, English में ना कुछ ऐसे शब्द हैं जो यहाँ Latin से लिए गए हैं, कुछ Greek से हैं, सुना होगा, कुछ French से लिए जाते हैं, you know? तो इनकी spelling अलग-अलग होती है। अंग्रेजी बना इन सारे जगहों से है। अभी तो आजकल स्पेनिश से भी ले रहे हैं। जैसे अभी एक वर्ड आया है siesta. सीएस्टा, ये स्पेन का वर्ड है। तो अभी क्या करना पड़ेगा कि आपको जिन वर्ड पे प्रॉब्लम है उसको वाकई गूगल सर्च करके उसके प्रोनंसिएशन को चेक करना पड़ेगा, वरना कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है, एक मतलब फोनेटिक वगैरह पढ़ा जाता है, बट बहुत मुश्किल है वो। सर इंडिया में ज़्यादातर अमेरिकन और इंग्लिश इंग्लैंड लैंग्वेज जो होती है उनके बीच थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब ज़्यादातर यही बोली जाती है। हाँ, जैसे यूके एक पॉलिस बोला जाता है और एक पता नहीं पुलिस कैसे उसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, कई कई फर्क है, कोई हाँ सर तो हो जाएगा। चलिए गाइस पहले इस पे काम करते हैं। तो ये आपके कुछ कनेक्टर है छोटे मोटे, तो आफ्टर दैट वगैरह सिखाने की तो जरूरत नहीं, तो सबको पता होता है। इसमें आप चाहे तो एक छोटा मोटा आइटम और है जिसे व्हाइल, सुना होगा व्हाइल के साथ वर्ब लगा दीजिए आईएनजी। जैसे मैं बोलूं कि यार खाना खाते समय उसने मुझे डांटा, ये भी तो हो सकता ना सर, ही स्कॉल्डेड मी व्हाइल आई एम ईटिंग। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर आप व्हाइल ऐसे लगाते हैं तो इसका पता है मतलब क्या हो जाएगा, कि ही नाम का व्यक्ति ही खा रहा था और ही नाम के व्यक्ति ने डांट दिया आपको, इसका मतलब ये हो जाएगा। Called it me while I'm eating होगा ना? Yes, अगर आपको अलग से कहना है कि खाना मैं खा रहा था डांटा उसने, तो फिर ऐसे बोलना होगा। He called it me while I was eating. I was eating. फिर ऐसे करना पड़ेगा, तब पता चलेगा खा आप रहे थे डांटा उसने, नहीं तो इससे कोई और रहा। हाँ, इससे पता चलेगा कि वो ही खा रहा था और खाते खाते उसने आपको डांट दिया, ये इतना फर्क पड़ जाता है। इसको ओवर करते हैं, अब ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज। I have my 9 o'clock batch too. I'm sending you this PDF. उसके बाद हम कल एक, मैं आपको अभी इमेज भेजूंगा कुछ देर में, कल हम उस इमेज पे प्रैक्टिस करेंगे फुल, आपको एक स्टोरी सुनानी है तो, और कल हम थोड़ा डेड पे काम भी करेंगे। सो आई एम गोइंग टू सेंड यू दिस PDF राइट अवे। सर इन अ हरी ऐसे बोले तो मुझे जाना है जल्दी करो, ऐसा हो जाएगा सर? जल्दी करो को इन अ हरी नहीं बोल सकते, नहीं ना? ये तो हो सकता है कि मेक इट फास्ट, डू इट क्विकली, ये सब हो सकता है। ओके फाइन गाइस, तो ये मैं आपको भेजता हूँ। किसी को 9 बजे का बैच देखना है आज, वो लोग एक रोल प्ले करेंगे, देखना है किसी को? यस सर, यस सर, यस सर। अगर देखना है तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ। ओके सर, ठीक है। और जो क्या नाम है उनका, अनीता, आप मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपको, सर मैंने आपको मैसेज कर दिया है। आपका नाम अनीता, ठीक ठीक मैम, देख लेता हूँ आपको। ठीक गाइस, तो मैं आपको भेजता हूँ लिंक। चलिए, टेक केयर गाइस, बाय सर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके।